Assalamu alaikum guys, once again welcome back to my channel. This is Sumaiya Khan and I hope you all are fine. And aaj meri video mein hum log kuch naya dekhenge, like black mehndi cone. Yes, isko hum log outline cone bhi bolte hain aur mehndi mein decoration ke liye isko use karte hain aur isse hum log temporary tattoos bhi banate hain. To ye black mehndi cone hum log ghar par hi easily kaise bana sakte hain with safe ingredients, aaj main aap logo ko ye bataungi. वैसे मार्केट में इजीली मिल जाती है ब्लैक मेहंदी कोन, बट उसमें कौन सी केमिकल्स यूज हुए हैं हमको नहीं पता होता और ये बहुत से लोगों को एलर्जिक हो जाती है इससे. तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इसको बाहर से ना लें, आप लोग इसको घर पर ही बनाएं विद सेफ इंग्रेडिएंट्स. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियो. एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले ब्लैक मेहंदी कोन बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या इंग्रीडियंट्स लगेगा वो देखते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंट है ये गोदरेज एक्सपर्ट का हेयर डाई, ये आपको कोई भी केमिस्ट में इजीली मिल जाएगा. इसका प्राइस है 18 रुपीज और ये अमोनिया फ्री है. जस्ट लुक एट योर नो अमोनिया, ये अमोनिया फ्री है इसलिए आप इसको सेफली यूज कर सकते हो स्किन पे, ये कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा. मैंने अमोनिया फ्री इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये अमोनिया फ्री है इसलिए ये साइड इफेक्ट नहीं करेगा स्किन के ऊपर, एलर्जिक नहीं करेगा. बहुत कम चांसेस है इसके एलर्जिक करने के बिकॉज इट्स अमोनिया फ्री. और हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है बेबी पाउडर. बेबी पाउडर हम लोग कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं, आप हिमालया का यूज कर सकते हो, जॉनसन बेबी पाउडर यूज कर सकते हो. मैं यूज कर रही हूँ हिमालया का बेबी पाउडर. हम बेबी पाउडर इसलिए यूज करेंगे बिकॉज इट्स वेरी माइल्ड. बेबी पाउडर जो है बहुत ही माइल्ड होता है बेबी, सो बेबी इसकी स्किन के लिए, इसके लिए ये भी कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, ये भी आपकी बॉय स्किन के ऊपर बहुत सेफ रहेगा, इसलिए हम लोग बेबी पाउडर यूज करेंगे. और एक बाउल और कोकोनट ऑयल. कोकोनट ऑयल भी इसलिए क्योंकि ये आपकी स्किन को एलर्जिक नहीं होने देगा. तो चलो अभी देखते हैं इसका पेस्ट कैसा बनाते हैं. तो सबसे पहले मैं एक सैशे लूंगी और उसको कट कर लेंगे लाइक दिस और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे. ये एक सैशे में लगभग सिर्फ 1 टीस्पून ही पाउडर होता है, तो यहाँ पे हम 2 टीस्पून लेंगे. 2 पैकेट ले रहे हैं तो 2 टीस्पून ले रहे हैं. इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है वैसे. ये सेकेंड सैशे भी मैंने इसमें डाल दिया है, 2 सैशे इसमें मैंने डाल दिए हैं. इसमें डालूंगी 4 टीस्पून बेबी पाउडर, 2 टीस्पून गोदरेज हेयर डाई में 4 टीस्पून बेबी पाउडर डालूंगी. ठीक है, अब हमको इसको एक पेस्ट बनाना है. इसमें हम थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालेंगे. कोकोनट ऑयल डालने के बाद में अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे. ये देखिए इसका स्मूथ पेस्ट बन गया है. अभी बेबी पाउडर डालने के बाद में इसकी खुशबू और भी ज्यादा अच्छी हो गई है. ये देखिए एक सॉफ्ट पेस्ट बन के रेडी हो गया है. इट्स रेडी. अब आप इसको कोन में फिल कर सकते हो. ऐसी कोन में फिल करेंगे. ये कैसे बनाते हैं ये मेरे पिछले वीडियो में, तो मेहंदी कोन के वीडियो में मैंने बताया है कि इसको कैसे बनाते हैं. तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाके देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप जाके देखिए इसको कैसे बनाना है और ये कोन को इसमें कैसे फिल करना है. बहुत ही ईजी तरीका मैंने उसमें बताया है कोन को फिल करने का, तो आप लोग वहाँ पर जाके देखिए इसको ईजीली इसमें फिल कैसे करते हैं. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी. ठीक है, तो अब मैं इसको फिल कर लेती हूँ. ये कोन बन के बिल्कुल रेडी है, तो अभी मैं आपको इसका इंस्टेंट रिजल्ट बताती हूँ. मैं मेहंदी डिज़ाइन लगा के नहीं बताऊंगी, मैं आपको एक छोटा सा टैटू बना के उसका रिजल्ट आपको मैं बताती हूँ कि ये कैसा रिजल्ट देती है. ठीक है,
ये हमने एक छोटा सा टैटू बना दिया है, अभी इसे थोड़ा सा हम लोग ड्राई होने देंगे। तो अब हम इसको टिश्यू पेपर से वाइप ऑफ कर देंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे क्या है। Guys, just look at the final result. It's really amazing. बिल्कुल भी itching नहीं हुई, ना ही कोई redness, ना ही कोई allergy. बिल्कुल भी नहीं, और color बहुत ही प्यारा आया है. Just look at the color. आप लोग भी इसको घर पर बनाएं और use करें. मैं आपको suggest करूँगी कि इसको लगाने से पहले आप लोग छोटा सा patch test कर लें कहीं पे भी finger पे कहीं पे लगा के. अगर आपको itching नहीं होती है, redness नहीं होती है, तो आप इसको फिर मेहंदी डिज़ाइन इससे लगा सकते हो. तो पहले पैच टेस्ट कर ले, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, तो इसके लिए आप लोग पहले पैच टेस्ट करें, उसके बाद इसको यूज़ करें, एंड इट्स रियली वेरी सेफ. सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आप लोगों को ब्लैक मेहंदी कोन बनाना आ गया होगा. आप लोग भी इसको घर पर ही बनाएं, बाहर से ना लें. और आप लोगों की मेहंदी कोन कैसी बनी थी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना. और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव थम्स अप टू माई वीडियो. एंड टेक केयर गाइज, अल्लाह हाफिज़.